नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम इसमें बीच में थ्रॉटल बाय वायर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो प्लीज़ देखिएगा इस वीडियो को पूरा ढंग से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ना, कर दीजिए, अरे अभी कर दीजिए। तो बात करते हैं एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर। तो नाम से ही पता चल जाता है कि एक्सेलरेटर की पैडल की पोजीशन को देखने वाला है ये सेंसर। तो इसका काम सिर्फ इतना कि एक्सेलरेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में APPS भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप स्कैनर्स वगैरह में देखते हो तो इसका APPS नाम से ही आता है। तो सबसे पहले होता क्या था कि जो हमारे एक्सेलरेटर पैडल थे, जैसे ही मैं पैडल को दबाता था एक वायर खींचती थी उसमें, थ्रॉटल वायर जिसे बोलते हैं, उसके बाद वो जाती थी थ्रॉटल वॉल के पास, वहां पे एक होता है बटरफ्लाई वॉल। अब बटरफ्लाई वॉल के साइड में एक नॉब सी बनी होती थी जिसमें वो वायर अटकी होती थी। जैसे वो वायर खींचती थी पैडल दबाने के बाद, तो जैसे वो वायर खींचती थी उस वजह से ये जो थ्रॉटल वॉल्व है और बटरफ्लाई वॉल्व है वो खुल जाता था। इतनी सिंपल सी इसकी वर्किंग थी। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे पैडल दबाया ये वायर हिली और इसके बाद इसने वॉल्व को खोल दिया। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि मैकेनिकल लिंक्स को हटाया जा सके, कि मैकेनिकल लिंक्स को जितना हटाएंगे उतना कम बल्कि हो जाएगा, उतना काम सस्ता होने वाला है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सेलरेटर सब कुछ वायर के थ्रू चलाना चाह रहे हैं, मतलब थ्रॉटल बाय वायर करना चाहते थे। तो क्या किया इन्होंने, पैडल को लिया और उस पैडल की जो पोजीशन, जैसे मैं अगर पैडल को दबाता हूँ तो उसके पैडल के जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उससे सिग्नल्स को AC में भेजेंगे, और जो भी एक्शन पहले वायर के थ्रू होते थे वो अब सारे के सारे ECU कर देगा ये सारे काम। तो इस चीज को कैसे इसने करंट के सिग्नल्स में कन्वर्ट किया वो चीज है सोचने वाली। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पैडल है इसके पीछे एक बॉक्स लगाया, इसके अंदर पोटेंशियोमीटर वायर है। यहाँ पे जो नीडल है, नीडल अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट होती रहेगी जैसे जैसे ये पैडल की मूवमेंट होगी। जैसे मैंने पैडल को दबाया तो नीडल कभी इधर टच थी तो इधर तक टच हो जाएगी। अब जो सर्किट बनेगा वो नीडल से यहाँ तक होता हुआ चला जाएगा। तो क्या है कि जैसे जैसे नीडल की डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जाएगी, उस हिसाब से जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ती जाएगी, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर तो होती है रेजिस्टेंस वाली वायर, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उस सर्किट का इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट जो उसके सर्किट के थ्रू पास हो रहा था वो ज्यादा कम हो जाएगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके थ्रू ज्यादा हो जाएगा। तो या तो मैं वोल्टेज के सिग्नल्स ले सकता हूँ या करंट के सिग्नल, कुछ भी जैसा मन करे वैसे सिग्नल्स लेके ECU में भेज सकता हूँ। मैंने क्या किया, जो भी सिग्नल्स आ रहे थे जितनी भी वेरिएशन आई मैंने ECU में भेज दी। अगर मान लो पहले 2 एम्पियर का करंट मिल रहा था और अब मेरे को मिलने लगा कि 1 एम्पियर का करंट, तो उसके अकॉर्डिंग वो एल्गोरिथम्स में सेट होता है कि कितना करंट आ रहा है उस हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो ECU को पता चल जाता है कि इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। तो अब जब इतना करंट का सिग्नल आया तो ECU को पता चलेगा कि इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो अब वो ECU क्या करेगा, उतने ही डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब वो सेंस कर लेगा कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उधर थ्रॉटल वॉल्व में इतना ज़्यादा वॉल्व खुला होगा, इसके हिसाब से इतना ज़्यादा एयर अंदर गई होगी, अब इतनी एयर अंदर अगर जा रही है तो उस हिसाब से कितना पेट्रोल अंदर जाना चाहिए। इसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले जो जहाँ इसने करंट आया तो इस करंट के थ्रू करंट का सिग्नल है, इसके थ्रू उसने सबसे पहले थ्रॉटल वॉल्व को घुमाया है, एक जितना भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग घूमना चाहिए उतना उसने थ्रॉटल वॉल्व और बटरफ्लाई वॉल्व को खोल दिया, तो एयर का फ्लो होने लग गया। अब जो एयर का फ्लो हुआ उससे पता चल गया कि इतना अगर थ्रॉटल वॉल्व खुला तो इतना एयर का फ्लो हुआ होगा, नहीं तो वो मैप सेंसर से उसे चेक कर लेगा कि इतना एयर का फ्लो है कि नहीं है। जो मैप सेंसर से रीडिंग आई उसके हिसाब से उसने क्या किया, उसने इंजेक्टर्स में ये सिग्नल्स भेज दिए कि भाई साहब इतना एयर का फ्लो हुआ है तो इस हिसाब से आपको इतना फ्यूल अंदर भेजना है, तो इंजेक्टर इतना फ्यूल उसके अंदर भेज देगा। इतना सिंपल से इसकी वर्किंग रहती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो ECU है इसमें भी लिखा है कि ये इंजेक्टर और वॉल्व को खोलने वाला है और मैप सेंसर से कम्युनिकेट करने वाला है। तो जो ये ECU है वो रेगुलरली कम्युनिकेट करता रहता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को, क्योंकि थ्रॉटल की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है APPS के साथ जो ये वाला सिस्टम है, और उसके बाद वो थ्रॉटल जो वॉल्व है उसके ओपनिंग क्लोजिंग वो मैनिपुलेट करता रहता है। जो ECU का जो एक और काम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम ये है कि ECU इस चीज को भी मैनिपुलेट करता है कि जब मेरा रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही होगी तो पैडल की पोजीशन के हिसाब से एक्सेलरेशन उतना ज्यादा हाई नहीं होगा जितना ज्यादा हमारा
स्ट्रेट जब हम फॉरवर्ड मोशन कर रहे हो उतना ज्यादा हो, क्योंकि क्योंकि प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद रिवर्स के लिए अलग प्रोग्राम करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जैसे कि उसके लिए अलग से मैनिपुलेट करके रखा जा सके कि रिवर्स गियर में चल रही है तो गाड़ी इतना ज्यादा एक्सलेट ना करे, क्योंकि रिवर्स गियर में हमें इतनी ज्यादा एक्सलेशन की जरूरत नहीं है और एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर एक्सलेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो, इसलिए उसमें एक्सलेशन को थोड़ा कम रखा जाता है। तो इश्यू का काम ये भी हो जाता है इस वाले केस के अंदर। अगर हम बात करें इसके कुछ बेनिफिट्स, ये हैं कि इसके अंदर आराम से क्रूज कंट्रोलिंग करी जा सकती है, इसके अंदर आइडल कंट्रोलिंग आराम से करी जा सकती है, इसके अंदर सेफ्टी बहुत अच्छी है। क्रूज कंट्रोलिंग का मतलब कि अगर आपको बार लॉन्ग रूट पे जाना है तो एकदम से पैडल दबा के रखना नहीं पड़ेगा, पैडल आप छोड़ दो, इश्यू आप संभाल लेगा कि बहुत देर से इतनी स्पीड पे चल रही है, क्रूज कंट्रोल मैंने दबा दिया तो अब ये इतनी स्पीड पे चलती रहेगी आगे तक। अगर मैं बात करूं आइडल कंट्रोल, तो मतलब बार बार जैसे इंजन बंद होने के डर से हम बार बार वो पेडल दबाते रहते हैं ना, वो भी नहीं दबाना पड़ेगा। इशू में अंदर दिमाग है, वो खुद ब खुद वो सोच लेगा कि भाई साहब अब इंजन बंद होने वाला है तो थोड़ी सी रेवोल्यूशन बढ़ा देगा, थोड़ा सा इनटेक बढ़ा देगा, उस हिसाब से वो काम कर लेते हैं। और सेफ्टी के लिए इशू काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है, उसके अंदर प्रोग्राम सब कुछ कह रहे होते हैं कि वो सेफ्टी फीचर्स को ध्यान रखें। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें कि ये क्योंकि ये सेंसर्स भी फेल हो सकते हैं, तो इन सेंसर्स के फेल होने से क्या कैसे पता चलेगा कि सेंसर्स फेल हुए, तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं वो बताना चाहूँगा। जो सिम्टम है वो है कि ये एक्सेलेरेशन में लैग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लैग करेगा, अगर आप पैडल दबाएंगे उतना अच्छा एक्सेलेरेशन का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या फिर बिल्कुल एक्सेलेरेशन भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये भी हो सकता है कि लिमिटेड पावर आप थ्रॉटल दिए जा रहे हैं लेकिन पावर उतनी ज़्यादा नहीं आ रही, तो वो भी एक कॉज हो सकता है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। और इसका एक सिम्टम ये हो सकता है कि थ्रॉटल के जो रिस्पांस है वो बिल्कुल ही ना आए, न्यूट्रल में तो बिल्कुल ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा APPS के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बता भी सकते हो कि अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर वीडियो बाई चांस अच्छी ना भी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बताइए मुझे कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियोस को देखने के लिए, ये मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।